ट्रेन में जनरल डब्बों में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब इंडियन रेलवेज ने जनरल टिकट में सफर करने वाले पैसेंजर्स को खाना अवेलेबल कराने का डिसीजन लिया है। रेलवे के आज तक के इतिहास में ऐसा फैसला किसी भी रेल मंत्री की तरफ से नहीं लिया गया है। इस बारे में प्रेस रिलीज जारी करके ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। रेलवे ने पैसेंजर्स के सफर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया है। रेलवे ने जनरल कोच में सफर करने वाले पैसेंजर्स को सस्ता खाना और पानी देने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि काउंटर्स को प्लेटफॉर्म पर उस जगह पर लगाया जाएगा जहां पर जनरल डब्बे आते हैं, जिससे जनरल डब्बे वाले पैसेंजर्स को खाना आसानी से मिल सके। रेलवे की तरफ से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक खाने को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहली कैटेगरी है जिसकी कीमत है 20 रुपये। इसमें पैसेंजर्स को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसमें पूड़ी और सब्जी और साथ में अचार दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसमें पैसेंजर्स को चावल, राजमा, छोले, कुलचे, भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा जैसे कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पैसेंजर्स की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस शुरू करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले काउंटर्स के जरिए खाना और पानी देने का ऑर्डर दिया है। रेलवे ने बताया कि ये सर्विस 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए है। इसको अभी यूसेज के बेस पर किया जाएगा। बाद में इस अरेंजमेंट को 51 स्टेशन पर एप्लीकेबल किया जाएगा। रेलवे ने 20 जुलाई से 13 स्टेशनों पर इस प्रयोग को शुरू कर दिया है। इन काउंटर पर 200 मिलीलीटर के पैक पानी अरेंज किए जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।